हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग धमाकेदार चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी 11th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है सीमा और अवकलज। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिमिट एंड कंटिन्यूटी। गलत लिख दिया मैंने, लिमिट एंड डेरिवेटिव है ये, सॉरी यहां मैंने गलत लिख दिया है, लिमिट एंड डेरिवेटिव। बहुत ही कमाल का चैप्टर है आज वाला, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, मतलब मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने में। और इस चैप्टर से 12वीं कक्षा का 50% सिलेबस कनेक्टेड है। 12वीं कक्षा के 5 बड़े चैप्टर्स इस चैप्टर से कनेक्टेड हैं, तो ये मान के चलो कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास के हिसाब से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दो ही मेन चीजें हैं इसमें, लिमिट और डेरिवेटिव, मतलब सीमा और अवकलज। दो ही चीजें हमें इसमें पढ़नी है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, दो ही बातें हैं जिनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग, और मजा आ जाएगा आप लोगों को। मैं एक बार देख लेता हूं कौन कौन बच्चे आ गए हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं अपन क्लास को। आज तो काफी बच्चे आ गए हैं मुझे लग रहा है, सब लोग पढ़ने के लिए उत्साहित है इस नए चैप्टर को, धमाकेदार चैप्टर को। आकाश, लर्न एंड शेयर फैन, शुभम कुमार, अंकित, संदीप, निखिल सर का शिष्य अभिनय, समृद्धि, शोभित और पंकज, हर्षित, आकाश, अरुण और वीरेंद्र राठौर, लकी, उसके बाद है सेजल, हर्षित हो गया, आशीष प्रजापत, कुछ कुछ नए बच्चे भी दिख रहे हैं, प्रज्ञान और अरुण, अरुण के बाद है किशन लाल के बाद करण, विकास कुमार और सूरज के बाद पंकज वर्मा, कांता राजपूत, दिनेश, आदर्श, प्राची, लक्ष्मी, काफ़ी बच्चे आ गए हैं आज, अखिल, मुनेश और विराट, रविंद्र, शोभित हो गया, तारा राजपूत, जय प्रकाश, तारा रावत, प्रशांत हो गया, आदित्य गुप्ता, सर्वेश, शिवम, एनपी सिंह, पूजा चौधरी, गोकुल नेगी, अरजीत, शिव प्रकाश, कनिष्का, शुभम, सुशील, बिट्टू कुमार, कार्तिक यादव, नवरंग, अवनीश, मोहित, अंशिका, बहुत सारे बच्चे आ गए यार, दीपिका सिंह, रोहित, उपासना, अवधेश, धर्मपाल, प्रेम, चलो जी सौम्या, बढ़ते हैं हम लोग आगे, आज की क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों बहुत ही धमाकेदार चैप्टर है, आप लोगों को पता है कितना इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे सिर्फ और सिर्फ सामने ध्यान देंगे, कुछ भी इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए आज की क्लास में। मैं आपको काफी ज्यादा बेसिक से स्टार्ट करूंगा, है ना, स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं आज की क्लास में, वो लोग जान लें कि अपना टेलीग्राम चैनल भी है लर्न एंड शेयर के नाम से, आप टेलीग्राम पर जाएं, लर्न एंड शेयर वहां पर सर्च करें, फर्स्ट नंबर पे आएगा, वहां पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन सबसे पहले वहां जाते हैं, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, कोई भी इवेंट मिस ना हो, ठीक है। उसके अलावा ये दो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इनमें कॉल करके आप कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत परेशानी आए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल करके, SMS करके, WhatsApp मैसेज करके, टेलीग्राम करके, जो मर्जी वो करके। फेसबुक और इंस्टाग्राम अगर आप लोग चलाते हैं तो उसके भी पेजेस अपने बने हुए हैं, लर्न एंड शेयर के ऑफिशियल पेजेस हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सबके लिंक मिल जाएंगे जो इस पेज पे मैंने लिखे हुए हैं, वहां से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन है उसको आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन पर पूरा का पूरा कोर्स बना हुआ है, 11th और 12th के प्रॉपर बैचेस बने हुए हैं, जिसमें आपकी बहुत कमाल की तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स चाहिए, बैच में ज्वाइन होना है, आपके डाउट्स के लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, आपको प्रॉपर सिस्टमेटिकली होमवर्क और उसका सॉल्यूशन चाहिए, बहुत सारी ढेरों और चीज़ें भी हैं, टेस्ट सीरीज चाहिए, बहुत सारी ऐसी ढेरों चीज़ें हैं जो बैच के अंदर मिलती है। तो अगर आपको 11th या फिर 12th के बैच में ज्वाइन करना है, 12th का बैच 2023 वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ मैं, 2023 वाले बच्चों के लिए जो अभी 11th में हैं, 11th का पेपर जस्ट देने वाले हैं जो बच्चे, उनके लिए 12th का बैच स्टार्ट हो गया है, अगर वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ये जो दो नंबर आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर संपर्क कर लेना, बहुत ही कमाल का बैच है 12th क्लास का, मजा आ जाएगा आप लोगों को 12th क्लास में पढ़ने में। और मेरी गारंटी है कि मैं तैयारी आप लोगों की 100/100 मार्क्स की करवाने वाला हूं, 100/100,
तैयारी इतनी करवाएंगे, बाकी फिर आपकी मेहनत है उसके बाद, तो यहां से मेहनत इतनी मिलेगी आप लोगों को, ये गारंटी है। 100 out of 100 आएंगे आप लोगों के। निश्चिंत होकर के पढ़ाई करें पूरी साल। आप लोगों के डाउट सॉल्व करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो बच्चों ने 12th का बैच ज्वाइन किया है, अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो एक बार फोन कर लो, इन दोनों नंबर्स में से किसी पे भी आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। वैसे तो सब बच्चों को कर दिया है, लेकिन गलती से कोई छूट गया है, आज से व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा और सब बच्चों को ज्वाइन कर दिया है, गलती से कोई छूट गया है तो आप इन दोनों में से किसी नंबर पर कॉल कर लेना और फटाफट से आप अपने अपने डाउट्स वहां पर डालते रहो, फटाफट से डेली बेसिस पे आपको उसके सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं बैच, फटाफट से इन नंबर्स पे कॉल कर लेना क्लास खत्म होते ही, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में 12th क्लास। सबसे पहले तो चैप्टर फ्लो की बात करेंगे कि 13th चैप्टर में पढ़ना क्या है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, ले देखिए दो ही चीजें और कुछ है ही नहीं। 13.1 प्रश्नावली में सीमा के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन है, हर वेराइटी के क्वेश्चन करेंगे सीमा के, लिमिट के। 13.2 में अवकलज डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, सारे के सारे हम अवकलज निकालना सीखेंगे, उनका अवकलन करना सीखेंगे, कोई भी फलन दे रखा है उसका वो हम 13.2 प्रश्नावली में सीखेंगे। लिमिट आपके लिए एकदम फ्रेश टॉपिक है, बाकी मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो 10th तक पूरा का पूरा चैप्टर ही फ्रेश है, 10th तक इसमें से कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने, 11th में है ये पूरी सेगमेंट एक है ना। लेकिन ये है कि 11th में अब आप लोग अभी तक ऑब्वियसली फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ ही चुके हो, तो वो अवकलज में आता है, अवकलज मतलब डिफरेंशिएशन का पोर्शन हो गया वो, एक तरीके से हल्का फुल्का आइडिया है आप लोगों को। हालांकि ये मान के चलो अपने जिस लेवल का है उसका 10% का भी आइडिया नहीं है आप लोगों को, लेकिन अपन उस लेवल तक पहुंच जाएंगे और फिजिक्स के अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तुम्हारे को एकदम फर्जी लगेंगे। हालांकि अपने इस साल तो 11th क्लास में तो केवल डिफरेंशिएशन तक ही है, इंटीग्रेशन नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर है 12th क्लास में है। लेकिन जो भी है अपन जितना भी है उतना ढंग से पढ़ेंगे। लिमिट और डेरिवेटिव्स दोनों नए टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, कैलकुलस, कैलकुलस बोलते हैं उसको, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फंक्शन लिमिट ये सब के सब इसमें आते हैं, इस ब्रांच में। फंक्शन से स्टार्ट हो जाता है, फंक्शन के बाद में ये लिमिट कंटिन्यूटी भी आएगा आपके नेक्स्ट ईयर, डेरिवेटिव आ गया, इंटीग्रेशन आ जाएगा, हर चीज ये कैलकुलस में आता है। अपन उस बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, अपन आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। फिलहाल आप तो ये समझ लो कि नई ब्रांच एक्सप्लोर कर रहे हो आप मैथमेटिक्स की। जैसे मैथमेटिक्स में एक तो होती है ज्योमेट्री, एक होती है एलजेब्रा है ना, तो ऐसे ही एक होती है कैलकुलस, एक होती है स्टैटिस्टिक्स, एक अलग ब्रांच होती है पूरी मैथमेटिक्स की। तो ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उनमें से ये ब्रांच है जिसको अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें अपन टॉपिक्स को सीख रहे हैं, अब नए नए टॉपिक्स को इसमें जान रहे हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों आज की क्लास को, स्टार्ट करेंगे हम लोग इस बात को समझते हुए कि ये सीमा क्या है, लिमिट क्या है। हालांकि इस शब्द से हमें समझ में आता है कि लिमिट, भैया अपनी तो इतनी ही लिमिट है, अपन तो इतना ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ समझ में आता है लिमिट से। हालांकि मैथमेटिक्स में ये किस तरह से क्वेश्चंस में या फंक्शंस में काम आती है, क्या इसका मतलब है, ये अब अपन जानेंगे। फटाफट से बता दो यहां तक का कितने लोग आ गए हैं, मतलब बहुत दिनों से इंतजार था इस चैप्टर का, मेरे ख्याल से काफी बच्चों का इंतजार था, इसलिए भारी भरकम भीड़ आज की क्लास में देखने को मिल रही है। तो सभी लोग दिल थाम के बैठो, मजा आ जाएगा आप लोगों की आज की क्लास में, धमाकेदार शुरुआत कर रहे हैं अपन। ये मान लो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका एक भी लेक्चर मत छोड़ना, भले ही आपका पुराना कितने भी लेक्चर छूटे हुए हैं, कितने भी लेक्चर छूटे हुए हैं पुराने, आपका जितना भी बैकलॉग है इसको मत छोड़ना, इसको रेगुलर लाइव लेना सभी बच्चे, मैं आज की क्लास में कह रहा हूं, कोई भी बच्चा इस चैप्टर को मत छोड़ना कोई भी। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सीमा क्या होती है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल ही बेसिक से, बिल्कुल ही नीचे जाकर के। सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा था, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आप लोगों ने पढ़े हैं, जिसमें सेट्स पढ़े आपने सबसे पहले, उसके बाद फिर सेट्स से हमने देखा कि दो समुच्चयों के बीच में कुछ संबंध स्थापित कर दिए हमने, उसमें रिलेशन में अपन ने पढ़ लिया, संबंध में अपन ने पढ़ लिया। फिर अपन ने देखा कि यार सारे संबंध अपने इतने काम के नहीं होते, लेकिन कुछ खास संबंध है जो कुछ खास प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, उनको हम लोगों ने फलन बोल दिया। फलन क्या थे, कुछ खास तरह के संबंध जो ज्यादा काम आते हैं, वो फलन हो गए। अब फलनों में हम सीमा निकालने वाले हैं, तो सारा काम वहां से स्टार्ट हुआ है एक तरीके से। फलन आपने पढ़ा हुआ है, अब फलनों में हम सीमा निकालने वाले हैं।
ठीक है। तो मैं एकदम थोड़ा सा बेसिक से पीछे से स्टार्ट करता हूं। अपन ने संबंध में क्या चीज पढ़ी थी, दो समुच्चयों के बीच में आपस में संबंध हमने सीखा था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एक यहां पर ले लिया मैंने, एक यहां पर समुच्चय ले लिया, मान लो ये समुच्चय R है, R मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, मान लो ये भी R है, ये भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, मान लेते हैं एक बार के लिए। R से R में एक फलन F परिभाषित कर रहे हैं अपन, किस तरह का कर रहे हैं। देखो वास्तविक संख्याएं तो अनंत होती है, पॉइंट्स में भी होती है, अंडर रूट में भी होती है, नेगेटिव में भी होती है, जीरो भी होती है, बहुत सारी होती है, बटे में भी होती है, लेकिन अब मैं इतनी सारी तो इतने से गोले में लिख नहीं सकता। मैं केवल हिंट के लिए लिख रहा हूं कि क्या फलन मैं बनाना चाह रहा हूं, उसके हिंट के लिए दो तीन मान लिख रहा हूं बस मैं। जैसे मान लो वन ले लिया, टू ले लिया, थ्री ले लिया, ढेरों हैं, अनंत मान होते हैं, पॉइंट्स में भी होंगे, माइनस में भी होंगे, बहुत सारे मान होंगे। तो यहां पर मैंने लिखा मान लो तीन, उसके बाद चार, उसके बाद पांच, यहां पर ढेरों मान है, पीछे भी होंगे, इधर भी पीछे भी मान होंगे, ढेरों मान होंगे। वन का कनेक्शन मान लो हम इस तरह का फलन परिभाषित कर रहे हैं कि वन का कनेक्शन है तीन से, दो का कनेक्शन है चार से, तीन का कनेक्शन है पांच से। आपको एक रफ आइडिया तो लग ही जाएगा इससे कि किस तरह का फलन मैं यहां पर परिभाषित करने वाला हूं। थोड़ा ध्यान देंगे यहां पर, क्या ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इस तरफ की जो भी चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रांत बोला करते हैं, पता है आप लोगों को। इस तरफ जो भी लिखा रहता है वो प्रांत होता है, इस तरफ जो भी लिखा रहता है वो सहप्रांत होता है। प्रांत के जो अवयव होते हैं उनको हम एक्स से डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स, एक्स के ही मान है एक, दो, तीन, चार, माइनस पांच, माइनस दस, माइनस का रूट टू, जो भी है वो सब एक्स के मान है, इधर जो भी लिखे हुए हैं। और इस तरफ जो भी हमें मिल रहे हैं वो हमारे पास वाई के मान होते हैं, वाई बोल दो, या फिर इन एक्स के मानों का फलन का मान बोल दो, इन एक्स के मानों पर फलन का मान बोल दो, वाई का मान बोल दो या फलन का मान बोल दो, एक ही बात है। एक्स देखो वन रखने पर फलन में थ्री आ गया, तो ये एफ ऑफ वन है, मतलब वन की, वन के फलन का मान। टू रखने पर फोर आ गया, मतलब दो रखने पर अगर चार आया तो ये एफ ऑफ टू है कि दो पर फलन का मान चार है। तीन रखने पर पांच आ गया, मतलब ये एफ ऑफ थ्री है कि फलन में तीन रखने पर मान पांच आ रहा है। तो एक्चुअली एक्स रखने पर हमें एफ ऑफ एक्स मिलता है, वाई बोलो या एफ एक्स बोलो एक ही बात है। इस तरफ वाले जो मान होते हैं उन सबको हम एक्स बोलते हैं, ये फिक्स है, ये हमने दूसरे चैप्टर में बहुत डिटेल में जाना है। इस तरफ जो मान लिखे रहते हैं वो सारे के सारे वाई है, वाई बोल दो एफ एक्स बोल दो, बात एक ही होती है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये दिमाग में बिठा लो, जितना जल्दी बिठाओगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। पूरी ग्यारहवीं में पूरी बारहवीं में ये चीज काम आएगी कि वाई ही एफ एक्स है भैया, और कोई परिवर्तन अंतर नहीं है इन दोनों में, ठीक है। अच्छा तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, जो एक्स के मान है उनमें दो जोड़ने पर हमें वाई के मान मिल रहे हैं, एक में आपने दो जोड़ा तीन मिल गया, दो में आपने दो जोड़ा चार मिल गया, तीन में आपने दो जोड़ा पांच मिल गया। तो यहां पर ये समझ में आ रहा है कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स बोल दो या वाई बोल दो, एफ एक्स जो आ रहा है या वाई जो बोल रहे हैं हम लोग, वाई या एफ एक्स जो है वो एक्स में दो जोड़ने पर मिल रहा है, ये जो मान है ये इधर से दो जोड़ने पर इधर आ रहे हैं, तो x प्लस दो आ रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि y बराबर x प्लस दो हमें मिल रहा है या fx बराबर x प्लस दो हमें मिल रहा है, इतना समझ में आता है, ठीक है। एक बार के लिए तो मैं यही रखता हूं कि fx बराबर x प्लस दो है, इसको लेते हुए अपन कुछ कुछ यहां पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, है ना, ठीक है। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस दो है, इतना तो समझ में आता है, ठीक है। इधर के मान में दो जोड़ा तो इधर आ गया, अब एफ एक्स ही वाई होता है, इतना भी क्लियर है, तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये चीज क्लियर हो रही है, बहुत ही बढ़िया। ये आपने दसवीं कक्षा से सीखते आ रहे हो, नवीं से, बेसिकली नवीं से सीखते आ रहे हो कि ये सरल रेखा का समीकरण है। इस क्लास में भी दसवें चैप्टर में सरल रेखाएं ढेरों पढ़ी हैं आपने, ये सरल रेखा का समीकरण है, आराम से इसका ग्राफ बनाया जा सकता है, आराम से बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बना लेते हैं, जब बना सकते हैं तो बना ही लेते हैं, फिर क्यों कंजूसी करना अपने को, क्यों। तो इसको रखो इधर साइड में कोने में, अब करेंगे असली काम शुरू, ध्यान से देखना यहां से, अब आप लोग मजा आ जाएगा आप लोगों को, क्या सीमा क्या चीज है, और इस ये कनेक्ट कहां से होगी वो तो अलग ही रामायण है, वो तो अभी मैं बताऊंगा, पहले सीमा सीख लो, यूज कहां आएगी मैं बताऊंगा आप लोगों, है ना, ये मत सोचना कि मैं नहीं बताऊंगा, इसका प्रैक्टिकल यूज है बहुत ज्यादा, आप लोगों के लेवल पे कितना है वो नहीं पता, लेकिन बहुत ही यूज है इसका। इसका ग्राफ बना देता हूं मैं,
ये हमारा x हो गया, ये हमारे पास y है, ठीक है। अब यहां से आप पॉइंट्स ले लो, मान लो ये पॉइंट है हमारा 1, ये है 2 और ये है 3, इतना ले लेते हैं, बहुत रहेगा, 1, 2 और ये 3, ऐसे यहां पर -1, -2 और -3, सेम ऐसे ही -1, -2 और -3, ये 0 है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। यहां पर मान रख के देखते हैं, यहां पर मान एक बार रख के देखते हैं कि भैया x का मान 0 रखा तो y का मान 2 आ रहा है, दो पॉइंट्स लेके बनाते हैं सरल रेखा, तो अब ये तो फास्ट कर देता हूं यार जल्दी से, इसमें तो क्या है, x का मान 0 रखा तो y का मान 2 आ जाएगा, y का मान 0 रखा तो x का मान -2 आ जाएगा, इन दो पॉइंट्स से हम सरल रेखा आराम से बना लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 0.2 का मतलब है ये पॉइंट, -2.0 का मतलब है ये पॉइंट, बना दो सरल रेखा, दिक्कत ही कहां है, बना देते हैं, दिक्कत तो कुछ नहीं है, तो इसी कलर से बना लेते हैं, चलो छोड़ो, ये बना दी मैंने एक सरल रेखा, ये हमारा फलन आ गया, ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स का मैंने ग्राफ बना दिया यहां पे, यहीं पर लिख दो इस चीज को, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखो ध्यान से मैं क्या बताने वाला हूं आप लोगों को, मैं बताने वाला हूं, मैं चाह रहा हूं कि सीमा क्या होती है, आप समझते हैं अपन, हम x बराबर एक पर किसी एक पर्टिकुलर x के मान पर हम लोग सीमा निकालते हैं फलन की, करते क्या है, हम फलन की सीमा निकालते हैं किसी x के मान पर, सीमा बेसिकली फलन का मान होता है, सीमा बेसिकली y का मान होता है, ये मान के चलो आप, सीमा क्या है, y का मान, फलन का मान, ये मान y अक्ष के जो मान होते हैं इसमें से कुछ आएगा फलन, ओ सॉरी सीमा, फलन का ही कोई मान होता है सीमा किसी x के मान पर, किस तरह से डिफाइंड है ध्यान से समझना इस चीज को, मान लो हम लोग x बराबर एक पर फलन का मान निकालना चाह रहे हैं, x बराबर एक पर, ठीक है, सीमा का मान सॉरी, x बराबर एक पर अगर हम लोग सीमा निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है, सबसे पहले तो x बराबर एक पर ये ग्राफ किस तरह से मूव कर रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं, ग्राफ का क्या हिसाब किताब चल रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। x बराबर एक पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट है, मतलब x बराबर एक पर अगर आप ध्यान से देखो ना तो y का मान 3 आ रहा है, या कह रहे हो फलन का मान 3 आ रहा है x बराबर एक पर, डॉट एक पर, ठीक है। अब मुद्दे की बात, मुद्दे की बात ये है, समझना ध्यान से, कलर चेंज कर लेते हैं यार, थोड़ा समझ में आ जाएगा आप लोगों को, मुद्दे की बात यह है कि सीमा x बराबर एक पर निकाल रहे हैं, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि x बराबर एक पर फलन का मान चाहिए, x बराबर एक पर सीमा निकालने का मतलब है x बराबर एक के लेफ्ट हैंड साइड से, ये क्या चीज है, ये x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट साइड का पोर्शन है और ये x इज इक्वल टू 1 के राइट साइड का पोर्शन है, ये राइट साइड है, मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आएगा आप लोगों को, एक मिनट रुको यार गड़बड़ हो जाएगी, हो गई ना गड़बड़, चलो कोई नहीं, वापस बताता हूं ध्यान से सुनो, ये जो है ये राइट साइड का पोर्शन है, ये जो है ये लेफ्ट साइड, सॉरी ये लेफ्ट लेफ्ट साइड का पोर्शन है, ये राइट साइड का पोर्शन है, किसके, वन के, x इज इक्वल टू 1 के बात कर रहे हैं हम लोग, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है 1 के, ठीक है, लेफ्ट साइड में x की कुछ वैल्यूज हैं, राइट साइड में x की कुछ वैल्यूज हैं, लेफ्ट साइड में कौन पड़ेगा, 1 के लेफ्ट साइड में इधर कौन आएगा, 0.9 आ जाएगा, राइट साइड में उधर कौन आएगा, 1.1 आ जाएगा, होगा ऐसा ही होगा, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी टेबल बनाता हूं और उससे कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा वो टेबल क्या बना रहा हूं मैं, छोटी सी टेबल, ये है x, ये आप एफ एक्स कह लो या y कह लो तो एक ही बात है, x का मान मैं लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जाऊंगा, मतलब x का मान मैं एग्जैक्ट 1 नहीं रखूंगा, 1 से जस्ट पहले तक के मान रखूंगा, ध्यान से समझना इस चीज को क्या कहने वाला हूं मैं, वापस से समझना एक बार क्या कह रहा हूं मैं, देखना एक मिनट, इसको मिटा दूं मैं, थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा, जगह की वरना तो शॉर्टेज ही पड़ जानी है अभी, इसको भी हटाओ यार, क्या है ये आफत, अरे भाई ये क्या कटेगा क्या, अब सुनो,
मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्स के मान यहां से शुरू करके इस तरफ जा रहा हूं। मैं एक्स के मान 1 नहीं रखूंगा, मैं सबसे पहले एक्स का मान यहां वाला रखूंगा 0.9, 1 के पहले वाला। और पास जाओ भाई, 0.9 से भी आगे जाएंगे, ये मान लो ये पॉइंट 0.9 है, तो उससे आगे वाला पॉइंट क्या होगा, और आगे जाओगे तो 0.99 तक पहुंचोगे, और पास चले गए 1 के। और पास जाओ, अभी 1 तक नहीं पहुंचना है, और पास जाओ, और पास जाओगे तो 0.999 तक पहुंच जाओगे। इससे आगे और कर सकते हो, 0.9999 तक जा सकते हो। जितने 9 लगाते जाओगे उतना 1 के आप पास चले जाते जाओगे। लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड हम खड़े हैं, यहां पर 1 खड़ा है, हम लोग यहां खड़े हैं, हम लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जा रहे हैं। 1 तक नहीं पहुंचेंगे, 1 से जस्ट पहले तक पहुंचेंगे, जस्ट पहले तक, 1 तक नहीं पहुंचना है, ठीक है। लेफ्ट साइड से एक्स के मान रखते जा रहे हैं, 1 की तरफ क्या मान आएगा, फलन का मान देखना क्या आने वाला है इस केस में। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, अगर मैंने एक्स का मान 0.9 रखा, अगर मैंने एक्स का मान 0.9 रखा, तो एफ एक्स का मान आएगा यहां से, एफ एक्स आएगा 0.9 + 2, मतलब 2.9, तो यहां से एफ एक्स का मान आया 2.9। अगर मैंने एक्स का मान 0.99 रखा, तो एफ एक्स का मान उस केस में 0.99 + 2, मतलब 2.99 आएगा, ये आ गया 2.99। बच्चों कोई भी चैट मत करना अभी, ये बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को समझाए बगैर मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा सकता हूं, और आप ये भी नहीं बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आया, ऐसी ट्रिक बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने की। आपको एक क्वेश्चन में नहीं फंसने दूंगा बिना इस कॉन्सेप्ट को बताए, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, तो फील आने लगेगी चीजें अभी से आपको, जो आप बाद में और चीजें पढ़ने वाले हो ना, इस चैप्टर में भी और 12वीं कक्षा में, अभी से फील आने लग जाएंगी चीजें थोड़ी बहुत तो। तो इसलिए थोड़ा सा गहराई में इसको ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना, अभी चैट एकदम बंद कर दो, केवल सामने ध्यान दो, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर एक्स का मान मैंने 0.999 रखा, तो एक्स का मान मैंने 0.999 रखा, तो 0.999 + 2, ये आ जाएगा 2.999। आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर एक्स का मान आपने 0.9 रखा, तो एफ एक्स का मान 2.9 था। एफ एक्स बोल दो या इसको वाई बोल दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वाई का मान 3 से थोड़ा पहले 2.9 था यहां पे, सही है। जैसे ही आपने एक्स का मान, जैसे ही आप लेफ्ट साइड से एक्स इज इक्वल टू 1 की तरफ और आगे बढ़े, 0.99 किया, तो एफ एक्स 2.9 से और आगे बढ़ा, 2.99 पहुंच गया, यहां से शुरू होकर के यहां तक पहुंच गया। जैसे ही आपने एक्स और आगे बढ़ाया 1 की तरफ, वैसे ही एफ एक्स का मान 3 की तरफ और आगे बढ़ा, 2.999 तक पहुंच गया। और जैसे जैसे एक्स के मान आप 1 की तरफ बढ़ाते जाओगे, वैसे ही ये 3 की तरफ वाई का मान बढ़ता जाएगा धीरे 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 स्पीड तक, लेकिन 3 तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आप एक्स का मान 1 रखने ही नहीं वाले हो यहां पर, ठीक है। अब कंक्लूजन, अगर लेफ्ट साइड से चलते वक्त एक्स इज इक्वल टू 1 पर हम सीमा निकालना चाह रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट साइड से चलते वक्त, 1 से थोड़े से छोटे मान लेकर के उस तरफ लेफ्ट साइड से चलते वक्त हमें क्या अंदाजा लग रहा है, फलन का मान किस तरफ जा रहा है। एक्स का मान जब 1 की तरफ जा रहा है, तो फलन का मान किसकी तरफ जा रहा है, 3 की तरफ। एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं मैं, क्या कि एक्स का मान 1 की तरफ जा रहा है, तो वाई का मान 3 की तरफ जा रहा है, कहां से, लेफ्ट साइड से, ऊपर लिख दिया मैंने लेफ्ट साइड से, ऐसा हो रहा है, लेफ्ट साइड से चलने पर ऐसा हो रहा है, लेफ्ट साइड से एक्स की तरफ चलने पर ऐसा हो रहा है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड से एक्स की तरफ चलने पर या एक्स के उस मान की तरफ चलने पर जो वाई का मान आता है, वही सीमा होती है। सीमा दो तरह की होगी, एक होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, बाई सीमा, एक होगी राइट हैंड लिमिट, दाई सीमा। मतलब हम जो लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जा रहे थे, उससे तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिली है, दाई केवल बाई सीमा मिली है, एक तरफ की सीमा मिली है, दूसरी तरफ की मिलेगी जब आप इसके राइट साइड में आकर के 1 की तरफ जाओगे,
राइट साइड आए वन के, फिर वन की तरफ जाते चले जाओगे तो फलन का मान किस तरफ जा रहा है उससे राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड लिमिट मतलब दाई सीमा मिलेगी। दो तरह की सीमाएं हैं, एक है बाई सीमा, एक है दाई सीमा। इसलिए तो मैं बार बार बाई तरफ से बोल रहा हूं आप लोगों को कि लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो क्या मिलेगा उस केस में, लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी। इसको पढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ा जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाई सीमा। बाई सीमा ठीक है, बाई तरफ की सीमा। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आया यहां पर, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x के मान एक पर लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा है, y का जो मान आ रहा है वो y का मान तीन की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई तीन। x के मान जब एक की तरफ जा रहे हैं तो y के मान तीन की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो उस केस में वो जो y का मान हमने देखा ढूंढा वो बाई सीमा हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप सीमा निकाल रहे हो, जब भी आप लिमिट निकाल रहे हो तो उस पर्टिकुलर मान का मतलब नहीं होता है अपने को, उस पर्टिकुलर मान से अपने को कोई मतलब नहीं है। हमेशा ध्यान रखना x बराबर एक पर फलन का मान अलग चीज है, x बराबर एक पर सीमा का मान अलग चीज है। समझ में आई बात, x बराबर एक पर फलन का मान ये अलग सेंटेंस है, x बराबर एक पर सीमा का मान एकदम अलग सेंटेंस है। सीमा का मान का मतलब है x बराबर एक तक तो पहुंचे ही नहीं अपन, उससे पहले से ही अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसे एक की तरफ बढ़ेंगे तो y का मान कहां तक बढ़ेगा, कहां की तरफ बढ़ेगा, केवल अंदाजा लगा रहे हैं। टेंडेंसी बोलते हैं इसको, किस तरफ जा रहा है हमें केवल अंदाजा लगे, कोई व्यक्ति उस तरफ जा रहा है उसके एकदम बगल में नहीं चल रहे। जासूस क्या करते हैं, जासूस दूर से नजर मारते हैं ये किस तरफ जा रहा है, अच्छा ये इस तरफ जा रहा है तो मैं इससे इतनी डिस्टेंस रख करके इस तरफ जाऊं, वो वाला काम है, उसके बगल में नहीं जा सकता जासूस। ठीक है, ये तो हुई लेफ्ट हैंड लिमिट, बाई सीमा। अब मैं बात करूंगा दाई सीमा की, ध्यान से समझना इस चीज को। मैं फिर से डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि यहां जगह नहीं बची, मैंने कुछ कुछ खास बातें लिख दी यहां पर, तो अगले पेज पे करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। वैसे तो मुझे यहां पर जगह है क्या, गुंजाइश है क्या, मैं चेक कर रहा हूं, बस नहीं है गुंजाइश यार, अगले पेज पे करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फटाफट से मैं डायग्राम बना दूंगा, कुछ टाइम लगने नहीं वाला है इसमें, वापस से डायग्राम रिपीट करने में कोई टाइम नहीं लगता। ये मैंने डायग्राम रिपीट कर दिया, कोई टेंशन ही नहीं है। ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, इधर है माइनस वन, इधर माइनस टू और इधर माइनस थ्री। फटाफट से मैंने पॉइंट्स लिए और ये खींच दी लाइन, ये मैंने खींच दी लाइन, सेम लाइन मैंने खींच दी फिर से, और अभी भी ये सेम वही वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है और यहां पर हमारा एक्स है। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा आप लोग। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए वन के राइट साइड से आना है, मतलब वन के इस तरफ से आना है, यू आना है, यू आना है, यू आना है। लेफ्ट हैंड लिमिट में यूं जा रहे थे, यूं यूं धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, राइट हैंड लिमिट में इधर से राइट साइड में यूं 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 वन की तरफ आएंगे, वन तक नहीं आएंगे, वन की तरफ आएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं कुछ मान वापस से लेता हूं उसी तरह से जैसे पहले लिए थे, x का और एफ एक्स का मान। x का मान अगर आपने 1.1 लिया, 1 के आगे कितना मिलेगा, यहां पर 1.1 मिलेगा, लेकिन 1.1 से भी और पहले लेना चाह रहे हो, 1 की तरफ लेना चाह रहे हो, तो आप कहोगे कि सर 1.01 ले लो ना, और पास आ जाएगा 1 के, 1.1 तो दूर है, 0.1 तो और पास आ जाएगा। आप बोलोगे सर और पास जाना है तो 1.001 ले लो ना, और पास आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो दाई तरफ से एकदम 1 के पास जाना चाहते हैं, 1 पर नहीं पहुंचना, जस्ट पहले तक पहुंचना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि x के मान जब 1 की तरफ जाते हैं राइट साइड से तो y के मान किस तरफ जाते हैं, अगर इसको घुमाते हैं तो ये किधर घूमता है, हमें ये जानना है, बस चेक कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास एफ एक्स का मान कितना था, x प्लस 2 था, मतलब y का मान कितना था, x प्लस 2 था, तो यहां से x की वैल्यू 1.1 रखेंगे तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, 1.1 प्लस 2 3.1। अगर 1.01 रखोगे तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, 1.01 प्लस 2 3.01 आ जाएगा। देखो मान रख रहा हूं मैं, ये होगा अपने पास में 3.1,
ये 3.01 और ये रख दोगे तो 3.001 आएगा। ध्यान से समझिएगा, मैंने वो जो बनाया था वो तो बना ही देता हूं मैं, उसके बाद फिर मान निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने x को एक की तरफ लेते गए मानों को, तो 1.1 पर हमने देखा 3.1 मान आ रहा था, मान लो यहां है 3.1 कहीं पर, ये 3.1 है मान लो ऊपर वाला, यहां आए, जब आपने x का मान 1.1 से इधर लेकर के 1.01 किया तो यहां भी 3.1 से और नीचे की तरफ आ गए हम लोग, 3.01 पर आ गए, तीन के और पास आ गए ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे ही आपने 1.001 किया और पास गए वन में इधर, तो उधर से भी 3.001 हो गया, तीन के और करीब आ गए। तो जैसे जैसे हम इससे इधर आ रहे हैं वैसे वैसे ये इस तरफ आ रहा है, जैसे जैसे x का मान हम लोग दाई तरफ से एक की तरफ लेके जा रहे हैं वैसे वैसे फलन का मान तीन की तरफ आता जा रहा है, 3.1 से 3.01 कम हो रहा है, कम हो रहा है, तीन तक पहुंच जाएगा वो। तो आप लिखोगे, ये दाई साइड की बात चल रही है, ये राइट साइड की बात चल रही है, राइट साइड के ऑब्जर्वेशन से है क्या कि x का मान दाई तरफ से एक की पास दाई तरफ से एक के पास लाने पर, या क्या लिखा था लैंग्वेज, एक का मान, हाँ x का मान दाई तरफ से एक की तरफ जा रहा है, x का मान एक की तरफ जा रहा है, दाएं तो ऊपर ही लिख दिया ना, राइट साइड, तो x का मान एक की तरफ आ रहा है जैसे जैसे, तो फलन का मान या y का मान तीन की तरफ आ रहा है। अपने को बस यही चेक करना होता है किस तरफ आ रहा है, वो तरफ ही है सीमा और कुछ नहीं है, आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, मतलब इंग्लिश में पूरा लिख दूं तो राइट हैंड लिमिट मतलब दाई सीमा, और मान क्या होगा, जो मान वाई का है, जो फलन का मान आया है उस तरफ जाने वाला वही होता है, तो राइट हैंड लिमिट यहां पर आई तीन के बराबर। अभी रुको, आप एक धमाकेदार क्वेश्चन अभी और लेने वाला हूं, उससे आपका एकदम दिमाग क्लियर हो जाएगा कि भाई चल क्या रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा चल क्या रहा है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि इस फलन में, ये जो फलन है इस फलन में, जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड से वन की तरफ जा रहे हैं इधर वो तीन की तरफ जा रहा है, राइट साइड से वन की तरफ आ रहे हैं उधर वो तीन की तरफ आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी तीन आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी तीन आ रही है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती है, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होती है राइट हैंड लिमिट, तो आप कहते हो सीमा का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सीमा का अस्तित्व है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और जो अस्तित्व है उस सीमा का मान क्या है, कंप्लीट लिमिट का मान कितना आ जाएगा, वही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो इक्वल आई है वही सीमा हो जाएगी उसकी, सीमा का मान हो जाएगा तीन के बराबर। ये ओवरऑल कंक्लूजन है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लूंगा जिसमें आपको यह साबित करूंगा, इसमें तो आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इतनी रामायण करने की जरूरत कहां पड़ रही थी, बताओ मुझे, साफ साफ दिख रहा है x का मान एक रखोगे तो fx का या y का मान 2+1=3 आएगा, क्यों घुमा रहे हो जबरदस्ती चीजों को, इतनी रामायण कर ली, टेबल बना दी, ये सब लिख दिया जबरदस्ती, इधर से ले रहे हो मान, इधर से ले रहे हो मान, आ वहीं रहा है जो यहां से डायरेक्ट आ रहा था, क्यों घुमा रहे हो, ये सवाल आएगा आपके दिमाग में। उस सवाल का जवाब देने के लिए एक सेकेंड एग्जाम्पल और करने की जरूरत है, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे डायरेक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको थोड़ा सा दिमाग में घुसने लगेगी चीजें, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो, यहां तक की बात समझ में आई क्या, इसको कहां से कैसे क्या कनेक्ट करना है वो बात की बात है, यहां तक की बात समझ में आई क्या कि मैंने क्या बताई, दाई सीमा की डेफिनेशन क्या है, किस तरह से हमने डिफाइन किया है दाई सीमा को, किस तरह से डिफाइन किया है बाई सीमा को, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए पहले तो। ये है नहीं, ये हमेशा नहीं होगा, मैं यही बताना चाह रहा हूं, अभी अगला एग्जांपल लूंगा मैं, हो सकता है जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आए, हो सकता है सेम आ जाए, हो सकता है फलन का मान अलग आए,
वो अभी डिस्कस करेंगे, है ना, उसकी आप टेंशन ना लो। अभी आप ये बताओ, इतना समझ में आया क्या? ये हमेशा बराबर हो ये जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन में बराबर है, इसलिए सीमा का अस्तित्व है और सीमा तीन के बराबर आ गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों तीन के बराबर है। यहां तक की बात आपको समझ में आई क्या? फटाफट से बता दो। सोनू कह रही है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, नहीं नहीं भूले नहीं है यार आपको। बिट्टू कुमार बेटा कर लेना फोन, क्लास के बाद कर लेना। टेंथ में ही मैं उसका कभी एहसान नहीं भूल पाऊंगा। निखिल यादव कह रहा है सर मेरा फ्रेंड जो इस चैनल को बताया था क्लास टेंथ में ही, मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा सर, उससे मेरे लाइफ में बदलाव आया है, रिकॉर्डेड देखता हूँ। चलो बहुत ही बढ़िया बेटा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखो। मैं तो कहता हूँ इस चैप्टर को तो लाइव देखो यार, रिकॉर्डेड मत देखो इस चैप्टर को, इसको लाइव चलने दो आप, रिकॉर्डेड में फिर से देख लेना भले। ये चैप्टर इतना कमाल का है कि दो दो बार देखने लायक चैप्टर है, मक्खन है। मतलब ये इससे, मतलब ये जिसको अच्छे से आता है ना उसको बारहवीं में असली मजा आता है पढ़ने का, असली मजा कह रहा हूँ मैं, एक्चुअल में फील होगा आपको। थोड़े दिनों में मैं वो चैप्टर शुरू करूंगा ना जब बारहवीं में, तब आपको फील होगा यार क्या कह रहा था मैं उस टाइम। और जो लेट हुए हैं वो लोग वापस से पढ़े हैं ना, पूरा का पूरा समझ में आ गया, चलो बढ़िया है। अरे कुछ नहीं होगा विकास कुमार, निश्चिंत रहो यार, परेशान होते हो फालतू। और समझ आ गया है, चलिए बढ़िया, ठीक है। आपको दाई सीमा और बाई सीमा का मतलब समझ में आना चाहिए, बाकी कुछ और मैंने समझाया नहीं है, जितना समझाया है उतना ही सुनो बस, उससे ज़्यादा अभी मत समझो एक्स्ट्रा, अननेसेसरी है ना। टॉपिक थोड़ा सा उलझा हुआ सा रहता है, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ केवल मैं। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपनी तरफ से, सीमा का एक और एग्जाम्पल लेंगे, ध्यान से देखेंगे कौन सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और था यार, पेपर कहाँ गया वो, ले लो पेपर ही गायब हो गया, खुद ही बनाना पड़ेगा अब तो, कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो कोई नहीं। एग्जाम्पल है हमारा एफ एक्स फलन, हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया, मान लो जो अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, जिसने सेकंड चैप्टर पढ़ा है उसको तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा, सेकंड जिसने नहीं पढ़ा है उसको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है हल्की फुल्की। एफ एक्स हमने डिफाइन किया है टुकड़ों में, पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं इसको, है ना, पीस वाइज डिफाइन कर रहे हैं, अलग अलग पीसेज में डिफाइन कर रहे हैं। एक हम डिफाइन कर रहे हैं मान लो एक्स प्लस एक, जो कि है एक्स लेस देन वन के लिए, और एक डिफाइन कर रहे हैं एक्स इज एक्स प्लस तीन, जो कि है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। मान लो ये फलन डिफाइन कर रहे हैं अपन, ये फलन परिभाषित कर रहे हैं। इसका ग्राफ बनाना मैंने सेकंड चैप्टर में डिटेल में सिखाया था, हल्का फुल्का रिवाइज करवा रहा हूं, है ना, उतना डिटेल में अभी बताने का समय नहीं है क्योंकि वो सेकंड चैप्टर की बात है, तो अभी जितना समझ में आया उतना समझना बस, ज्यादा मैसेज में तंग नहीं करना है, क्योंकि तुमने सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है तुम्हारी गलती मानी जाएगी इसमें बिल्कुल भी, बाकी बच्चों का नुकसान नहीं करना है, सुनना ध्यान से। इसका ग्राफ बनाने का क्या तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, आप एफ एक्स को वाई मान लो, बस इतना ही, एफ एक्स को क्या मान लो, वाई, वाई मान लिया हमने एफ एक्स को, और ये वाई का मान एक बार तो एक्स प्लस एक हो गया, और वाई का मान एक बार एक्स प्लस तीन हो गया, दो दो मान है ना, पीस वाइज फंक्शन है, टुकड़ों में डिफाइन किया है हमने, तो एक बार वाई का मान एक्स प्लस एक है, एक बार वाई का मान एक्स प्लस तीन है, कब है वो साइड में लिख लो। ये मान माना जाएगा, ये मान मान्य है x की एक से छोटी मानों के लिए, और ये मान फलन का मान्य है x के एक से बड़े या बराबर मानों के लिए। ग्राफ बनाओ फटाफट से, देखो कैसे बनेगा ग्राफ, सब लोग ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा आप लोगों को बहुत बढ़िया से, कि ग्राफ कैसे बन रहा है इस तरह के फलनों का। अरे भाई सीधी लाइन बन जाए यार, क्यों तंग कर रहा है, बनी क्या सीधी, लग तो रहा है। हाँ, ये हमारा x है, ये हमारा y है, इसी को हम लोग fx बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ये हमारा जीरो पॉइंट हो गया, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, और ये चार है। सेम ऐसे ये एक है, ये दो है, ये है तीन, और ये है चार। अगेन माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड माइनस फोर। ऐसे ही माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड माइनस फोर, ये हमारा आ गया। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। इस
इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, हम पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, दो पॉइंट्स लेना, x का मान जीरो लिया तो y का मान एक आ गया, x का मान सॉरी y का मान जीरो लिया तो x का मान माइनस एक आ गया। जरा इसको ड्रॉ कर लो, ग्राफ पेपर पे बना लो, जीरो कमा एक ये वाला पॉइंट है, माइनस एक कमा जीरो ये वाला पॉइंट है। मैं सीधी सीधी एक लाइन बना देता हूँ फटाफट से, ये लाइन इस तरह की कुछ बनेगी, ये मैंने एक सीधी सीधी लाइन बना दी, ठीक है। कौन सी लाइन है ये? वाई बराबर एक्स प्लस एक वाली लाइन है, ये है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक वाली लाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, अगर मैं लेता हूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री तो x का मान जीरो लेने पर y का मान तीन आ रहा है, y का मान जीरो लेने पर x का मान माइनस तीन आ रहा है। इन दोनों को प्लॉट कर देते हैं, जीरो कॉमा थ्री, मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, ऐसा करता हूं, जीरो कॉमा थ्री ये है, माइनस थ्री कॉमा जीरो ये रहा, इसके समानांतर ही लाइन आ जाएगी एक और, ये आएगी कुछ इस तरह का। अरे यार बहुत टेढ़ी हो गई तो, अरे भगवान ये बनाना बड़ा भारी काम है यार, हो जा सीधी, हो जा यार सीधी, हो जा थोड़ी तो ठीक ही है इस बार, ठीक है। ये है हमारे पास कौन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है भैया मान लिया बात, इसकी भी मान ली बात। हमें कहाँ पर हिसाब किताब चेक करना है, मतलब ये कहाँ कहाँ मान्य है, ये वाला मान्य है x लेस देन वन के लिए, x इज इक्वल टू वन ये रहा, मैं एक यूं ही रैंडम लाइन खींच रहा हूँ जो x बराबर एक लाइन को निरूपित कर रही है, ये x बराबर एक लाइन है, ठीक है, x इज इक्वल टू वन है, ठीक है। x इज इक्वल टू वन से पहले वाला जो पोर्शन है वो है x इज लेस देन वन, x इज लेस देन वन मतलब वन से पहले वाला, वन से छोटा वाला पोर्शन, वो x इज इक्वल टू वन है, सॉरी x इज लेस देन वन है। उस केस में ये वाला मान्य है, कौन सा, y बराबर x प्लस एक, y बराबर x प्लस एक ये रहा, ये वाला मान्य है कब, जब हम x इज लेस देन वन लेते हैं, वन से छोटा लेते हैं तो ये वाला मान्य है। माने अगर मैं बनाऊं प्रॉपर तो इस केस में ये मान्य है केवल, x जब छोटा है तो इन दोनों ग्राफों में से, क्योंकि x छोटा है तो दो दो ग्राफ दिख रहे हैं, कौन सा मान्य है, नीचे वाला y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन वाला, जब x एक से बड़ा है तो कौन सा मान्य है, x प्लस तीन वाला, जब x एक से बड़ा है तो कौन सा मान्य है, x प्लस तीन वाला ये रहा, डार्क कलर वाला, ये ऊपर वाला चलेगा, ठीक है। उसमें भी यहां पर डार्क आएगा, क्यों, क्योंकि यहां बराबर का निशान है, यहां बराबर का नहीं है तो यहां ओपन आएगा कि भाई x इज इक्वल टू वन पर ये मान नहीं है, ये मान है। चलिए तो बाकी जो काम का नहीं है उसको हम हटा देते हैं, जो काम का नहीं है उसको उड़ाओ, ये उड़ाया, ये उड़ाया, और यहां पर आप चाहो तो लिख दो ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस तीन है, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल ग्राफ है। एक काम और, इसको भी उड़ाना पड़ेगा, ये भी काम का नहीं है, काम का जो ग्राफ है वो ये है। मैंने इस फलन का ग्राफ बनाया है अभी तक तो, अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट समझाऊंगा इसमें, किस बिंदु पर, x बराबर एक पर, जरूरी नहीं है x बराबर एक पर ही चेक करें अपन, अपन किसी भी बिंदु पर चेक कर सकते हैं, किसी भी बिंदु पर निकालने को आ सकता है, किसी भी बिंदु को समझने के लिए यूज ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं x बराबर एक ही ले रहा हूं क्योंकि पिछले में भी वही लिया था, थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएगी चीजें आपको, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, वही मैं टेबल बनाऊंगा, सिंपल, ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं है, यहां टेबल ले लेता हूं मैं आराम से, और पहले इसको क्या हो गया, पहले इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, नहीं लेते हैं छोड़ो, नाराज हो रहा है ये तो। ये हमारा x का मान, ये हमारा एफ एक्स का मान, ठीक है। तो हम तीन मान ले लेते हैं, एक ले लेते हैं वन, लेफ्ट साइड से ले रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड से हम लोग वन की तरफ चल रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से यहां से शुरू कर रहे हैं जो कि है 0.9, उसके बाद आएगा 0.99 और उसके बाद 0.999 तक पहुंच जाएंगे, पास और पास, बहुत ही पास, है ना। तो x के मानों पर फलन का मान देखिए फटाफट से बच्चों, x के इन मानों को किस में रखोगे, इसमें रखोगे या इसमें रखोगे, फलन के दो मान है, एफ एक्स का ये भी मान है, एफ एक्स का ही ये भी मान है, यहां देख लो ना, इसमें रखना है ना x प्लस एक में, क्योंकि x प्लस एक ही तो एक से छोटा है, इसमें रखेंगे, क्योंकि एक से छोटे मान x के रखेंगे तो इसमें रखेंगे, एक से बड़े मान x के रखेंगे इसमें रखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए x का मान 0.9 रखना, जरा इसमें 0.9 x की जगह रखोगे तो 0.9 प्लस 1 1.9 आ जाएगा फलन का मान,
ऐसे ही एक्स का मान अगर आप 0.99 रखोगे तो 0.99 प्लस 1 ये आ जाएगा 1.99। एक्स का मान अगर 0.999 रखोगे तो प्लस 1 करने पर आ जाएगा 1.999 ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने एक्स का मान 0.9 रखा पहला एरो तो उस टाइम फलन का मान आया 1.9 का मतलब है ये वैसे ऐसे कनेक्टेड है, आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो ये वैसे ऐसे आ रहा है, ये थोड़ा सा 2 पर ही है मतलब ये है ना, इसको थोड़ा ऐसे समझना आप, और ये 4 पर आ रहा है। ठीक है चलो अब देखते हैं आराम से शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे ही 0.9 हुआ तो ये 1.9 2 से थोड़ा सा पहले आएगा, ये 1.9 की तरफ आया। जैसे ही और आगे बढ़े ये 1.9 से और आगे बढ़ के 1.99 तक आया, और आगे बढ़े 0.999 तक आ गए, x में हम 1 की तरफ आ गए तो ये भी 2 की तरफ आने लग गया, 1.999 तक पहुंच गया। इसका मतलब अगर लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जा रहे हैं तो फलन 2 की तरफ जा रहा है। लिखने की दुनिया में कमी पड़ती है हमेशा ही, मेरे को तो ऐसा लगता है यार, कहाँ लिखूं मैं, अनंत जगह नहीं मिलती मेरे को लिखने की, अनंत जगह की जरूरत है मुझे। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, जो भी कहानी है वो जो भी गढ़ी गई है कहानी ना, वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। क्या x का मान, यदि x का मान बाईं तरफ से एक की तरफ जा रहा है तो फलन का मान या y का मान या fx का मान 2 की तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, और जो फलन का मान या fx का मान या y का मान होता है वही हमारी सीमा होती है। और चूंकि ये बाईं तरफ से बात चल रहा है तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, बाईं सीमा है, जो कि किसके बराबर आ गई, 2 के इक्वल आ गई, जो फलन का मान होता है वही हमारी सीमा हो जाती है उस केस में। एक कंक्लूजन तक पहुंचे हैं अपन। दूसरा कंक्लूजन, टेबल चेंज कर रहे हैं भैया, यहां लगा देते हैं एक और टेबल, है ना, बहुत कम जगह पर बहुत सारी चीजें हो रही है, थोड़ा ध्यान से लिखना आप लोग भी, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे उटपटांग हरकतें करता हूँ, कंजूसी वाली, इधर बचाया पेज, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। आप लोगों के पास तो अनंत कॉपी है, लिखते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। सोचो किस्मत वालों को मिलती है अनंत कॉपी, किस्मत वाले हो तुम लोग, मानो मेरी बात। हम लोग राइट साइड से आ रहे हैं एक्स की तरफ, राइट साइड ये रहा, यहां से टुकुर आगे बढ़ेंगे, 1 की तरफ जाएंगे, 1 तक नहीं जाना, सीमा में उस पर्टिकुलर पॉइंट तक नहीं जाना होता है, ध्यान रखना, उससे पहले ही रुक जाना होता है, वो तो हमारी लिमिट है भैया, वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते वहां तक, तो वो तो लिमिट है हमारी, हमारी औकात से बाहर हो जाएगा वो, उससे पहले ही लेना है। लिमिट मतलब औकात, ये समझ लो आप देसी भाषा में, जंगली भाषा में अगर बात करें तो। ठीक है, सो 1 की तरफ आएंगे भाई, 1 की तरफ आओ, ऐसी भी क्या बात है, कलर चेंज करो, दुनिया में इतने कलर दे रखे हैं भगवान ने। 1 की तरफ आने के लिए यहां से मैंने कलर चुना, यहां से मैंने मान चुना, सबसे पहले तो 1.1, फिर मैं चुन रहा हूं 1.01, और उसके बाद 1.001 चुन लूंगा मैं, 1 की तरफ आते चले जाएंगे। तो 1.1 रखा तो फलन का मान कितना आ गया, अच्छा 1 से बड़ा हो गया कि नहीं, जो भी मान रखे हैं मैंने, 1 से बड़ा मान 1 से तो बड़े ही हैं, 1 से अगर बड़े हैं तो इस वाले में रखे जाएंगे ना कि ऊपर वाले में, ये तो पक्की बात है, 1 से बड़े मान यहां पर रखे जाएंगे, समझ में आ रहा है यहां तक कि नहीं, ये दिख भी रहा है कि नहीं तुम्हारे को, दिख तो रहा है लेकिन बहुत कमजोर दिख रहा है, मजा नहीं आ रहा, चलो एडजस्ट करो यार थोड़ा बहुत, तो ऐसी भी क्या बात है, फीका रंग लूँ क्या, थोड़ा फीका कर लेते हैं इसको यार, अब दिख जाएगा मेरे ख्याल से। तो यहां x का मान 1.1 रखा मैंने, 1.1 प्लस 3 4.1, 1.01 प्लस 3 4.01, और 1.001 प्लस 3 4.001 आ गया। x का मान जब आपने 1.1 रखा ना तो फिर फलन का मान 4.1 आया, ये वाला मान देखना अभी, x का मान जब 1.1 रखा ना आपने और आगे बढ़े ना, इसमें एक की तरफ आए ना जैसे ही, तो ये भी और आगे आ गया, ये 4.1 के बाद 4.01 आ गया, 4 की तरफ आ गया और भी ज्यादा,
जैसे ही आप और एक्स में एक की तरफ आए 1.001 तक आ गए तो ये भी 4.001 एकदम 4 के बस टच ही करने वाला है। हमने यहां 1 को टच किया नहीं और उसने 4 को टच किया नहीं, वो हम करेंगे नहीं तो ये भी नहीं करेगा। तो यहां पर इतनी समझ में आई कि जैसे जैसे सेम लैंग्वेज एक्स का मान दाई तरफ से सेम लैंग्वेज बहुत ही बढ़िया हो गया काम ये तो। अरे यार लिख देता हूं मैं और हल्का करो, फीका करो इसको दिखे ताकि तुम लोगों को बेशर्मों को दिखना भी तो चाहिए। x का मान दाई तरफ से एक की तरफ जाता है तो फलन का मान 4 की तरफ जाता है। इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित क्या हुआ भाई दाईं तरफ से जा रहे हो, फलन का मान 4 आ रहा है, इससे साबित हो गया कि जो राइट हैंड लिमिट है वो 4 के बराबर है। और क्योंकि इस वाले फलन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए इस फलन में एक्स बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। आप लिखोगे इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है, दिए गए फलन में एक्स बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः एक्स बराबर 1 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। x बराबर 1 पर अस्तित्व नहीं है, बाकी मानों की बात नहीं हुई अभी तक, ये तो x बराबर 1 पर चेक किया है। x बराबर 2 पर हो सकता है कुछ और आए, 3 पर हो सकता है कुछ और आए, हो सकता है बराबर आ जाए उस केस में। तो जब इक्वली नहीं है तो फिर सीमा की बात नहीं होगी, वो सीमा अस्तित्व में नहीं है। बस अपन अलग अलग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट ये है, मेन सीमा का कोई मतलब नहीं है यहां पर। इतना बात अपन यहां से कर सकते हैं, इतनी हमारे पास क्षमता है करने की बातचीत, ठीक है यहां तक। तो ये है ओवरऑल हिसाब किताब, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, कुछ तो दिमाग में तुम्हारे घुसा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम लोग लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एक्स के जिस मान तक पहुंच रहे हैं वहां पर फलन का मान किस तरफ पहुंच रहा है। भाई एक्स के कुछ मान तक पहुंचने पर फलन का मान किस तरफ पहुंच रहा है वो सीमा में आता है। एक चीज और इंपॉर्टेंट बात मैं लिख देता हूं, एक्स के किसी मान पर फलन का मान और एक्स के किसी मान पर सीमा का मान दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। कैसे, सुनो ध्यान से, हमारे पास फलन क्या था, एफ एक्स हमारे पास था, अभी पीछे वाला जो फलन था एक तो x प्लस 1 और एक x प्लस 3 था। यहां पर हमने लिखा कि x इज लेस देन 1, यहां पर लिखा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो भी हम दाई सीमा लेते हैं उसमें एक से बड़े मानों की ही जरूरत पड़ती है, जो भी हम बाई सीमा निकालते हैं उसके लिए निकालने के लिए फलन में x के एक से छोटे मानों की ही जरूरत पड़ती है। x बराबर 1 की मान की जरूरत पड़ती ही नहीं है सीमा में, सीमा के मान या तो x के उस मान से छोटे मानों के लिए निकालते हैं हम लोग या फिर x के उस मानों से बड़े मानों के लिए हिसाब किताब कैलकुलेट करते हैं सीमा का। तो x के उस पर्टिकुलर मान पर नहीं निकालते फलन का मान, लेकिन अगर फलन का मान बोला गया है इसका मतलब उस पर्टिकुलर मान पर निकालना है हमें। तो यहां पर अगर मुझे f ऑफ 1 निकालना है, x बराबर 1 पर फलन का मान, इसको बोलते हैं f ऑफ 1, x बराबर 1 पर अगर मैं फलन का मान निकालना चाह रहा हूं तो वो हमें यहां से मिलेगा, क्योंकि यहां बराबर का निशान है कि अब x बराबर 1 आए तो डायरेक्ट यहां फलन का मान निकाल लो, ये कहता है। तो ये कहता है कि 1 प्लस 3 डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 4 के बराबर।
अपने को कोई मतलब नहीं है वो सीमा के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, अलग आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है अलग। ये मान के ही चलना कि फलन का मान सीमा से अलग भी आ सकता है, सीमा के समान भी आ सकता है, हो सकता है दोनों में से किसी एक सीमा के समान आए, दोनों सीमाओं के समान ना आए, हो सकता है दोनों किसी भी सीमा के समान ना आए, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। ये दोनों एकदम अलग अलग बातें हैं, ये बात और ये बात एकदम अलग अलग बातें हैं। सीमा क्या होती है? जिस मान पर, जिस एक्स के मान पर सीमा निकाल रहे हैं उसके लेफ्ट साइड के एक्स के मानों पर फलन की गतिविधि देखते हैं अपन, उसके राइट हैंड साइड से फलन के मानों की गतिविधि हम चेक करते हैं, और फलन का मान उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जैक्ट मान निकालते हैं। दोनों में डिफरेंस है। सीमा में केवल टेंडेंसी चेक करते हैं किस तरफ जा रहा है, इधर से भी और इधर से भी। फलन मतलब उस जगह क्या मान है एग्जैक्ट, ये है सीमा। इधर से कितना आएगा, इधर से कितना आएगा, फलन एक्चुअल में कितना है एग्जैक्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। अब नोटेशन की बात कर लेते हैं। नोटेशन का मतलब ये है, मैं इसी फलन में बात करता हूं, है ना, मैं इसी में बात कर लेता हूं अभी फिलहाल। नोटेशन का मतलब क्या है, नोटेशन का मतलब क्या है, नोटेशन की मैं बात करता हूं, दिखाते कैसे हैं, है ना। जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है उसको ऐसे लिखोगे, लिमिट शॉर्ट में एल आई एम लिखते हैं, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन एफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए और राइट हैंड लिमिट के लिए देखो क्या करते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन और ये एफ एक्स, और एक होता है लिमिट। लिमिट एक्चुअली नॉर्मल लिमिट की अगर बात करें तो वो लिखी जाती है एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन एफ एक्स। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो उसको सिंबल के तौर पर, लिखने के तरीके के तौर पर यहां माइनस लगा देते हैं पावर में, घात में। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो वन के घात में प्लस लगा देते हैं। भाई ये क्या है एफ एक्स की, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एफ एक्स की एक्स बराबर एक पर बाईं सीमा। इसका क्या मतलब है एफ एक्स की एक्स बराबर एक पर दाईं सीमा। इसका क्या मतलब है एफ एक्स की एक्स बराबर एक पर सीमा। वो तब निकलती है जब दोनों बराबर आते हैं तो वो सीमा कहला देती है। ये लिखने के तरीके हैं। बाकी लेफ्ट हैंड लिमिट अभी वाले क्वेश्चन में 2 आई थी, इस वाले में 4 आई थी, तो ये अस्तित्व नहीं था इसका, उस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। इतना समझ में आया, ये मैंने केवल सीमा समझाया है। उदाहरण तो अब आएंगे, उदाहरण एकदम लल्लू पंजू है, 10 मिनट में 10 एग्जाम्पल कर सकते हो, इतने ईजी है कई तो, सब नहीं कह रहा मैं, तुम माते मत आ जाना, बोले 10 मिनट हो गए 3 एग्जाम्पल करवाए हैं, क्या कर रहे हो सर, ऐसे नहीं होता। लिमिट्स और डेरिवेटिव्स का यूज क्या है? देखो डेरिवेटिव्स का मतलब है किसी भी वस्तु को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में परिवर्तन को हम ऑब्जर्व करते हैं डेरिवेटिव्स के माध्यम से, मतलब अवकलन के माध्यम से हम किसी एक चीज का दूसरी चीज के सापेक्ष परिवर्तन को मेजर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो हमारी उम्र, हमारी उम्र समय के सापेक्ष बदल रही है, दुनिया में हर चीज बदल रही है। जहां बदलाव की बात आ जाती है ना वहां पर अवकलन शब्द यूज आ जाता है, ये मान लो आप। अवकलन हम लोग यूज ही परिवर्तन के रेस्पेक्ट में लेते हैं, किसी एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी कितनी स्पीड से चेंज हो रही है, इसका मेजरमेंट अवकलन से करते हैं हम लोग। आपका पांव रेस पर, आपका हाथ रेस पर चला स्कूटी पे या बाइक पे, और कितनी स्पीड से वो बाइक मूव करती है, कहने का मतलब किसी एक चीज के चेंज होने से दूसरी चीज पर क्या फर्क पड़ रहा है, किसी एक चीज को चेंज करने पर दूसरी चीज किस स्पीड से कम ज्यादा हो रही है, इसका मेजरमेंट होता है अवकलन में। वो डिटेल में आपके नेक्स्ट ईयर आएगा, इस साल है ही नहीं है वो चीज, वो चीज बताई नहीं गई है इस साल, नेक्स्ट ईयर आएगा वो चीज डिटेल में कि अवकलन यूज कहां आता है, वो नेक्स्ट ईयर दे रखा है, उसका पूरा एक चैप्टर है उस पर, 6ठा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, कि अवकलन के अनुप्रयोग कहां कहां है, उस पर एक पूरा चैप्टर है। अभी मैं केवल अंदाजा दे रहा हूं कि किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु, वस्तु नहीं कहना चाहिए बल्कि कुछ और,
फिजिकल क्वांटिटी किसी एक क्वांटिटी के सापेक्ष दूसरी क्वांटिटी किस तरह से परिवर्तित हो रही है वो अवकलन में सीखते हैं अपन, और अवकलन सीखने के लिए हमें लिमिट सीखना बहुत जरूरी है, वो आगे समझ में आएगा। अवकलन जब करेंगे अपन तब जा करके समझ में आएगा, बाकी अवकलन का बेसिक मीनिंग यही है। अगर मैं x और y दो अलग अलग क्वांटिटीज को x और y से डिनोट कर दूं तो x के सापेक्ष y में जो परिवर्तन आ रहा है उसकी दर क्या है, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर ही अवकलन होता है, और वो परिवर्तन की दर निकालने के लिए सीमा की आवश्यकता पड़ती है। कैसे पड़ेगी वो 13.2 प्रश्नावली में सीखेंगे, अभी का मुद्दा नहीं है, इतना समझ लो अभी आप स्टेप बाय स्टेप जितना बोल रहा हूं केवल उतना समझो अभी, ठीक है। हल्का फुल्का लिंक तो बन गया, कहां कैसे क्या काम आएगा चीजें। चलिए जी, हाँ नेगेटिव मान भी लेने पे निकाल सकते हैं साक्षी, वो तो मैंने क्या है पॉजिटिव जान करके लिया है, ताकि अभी पहला क्वेश्चन करवा रहे हैं तो मैं पॉजिटिव वन का मान निकाल रहा हूं, नेगेटिव वन पे भी निकाल सकते हो, लिमिट का मान ऋणात्मक भी आ सकता है, लिमिट का मान धनात्मक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है मान, कोई लिमिटेशन नहीं है। अभी आगे आप पढ़ोगे क्वेश्चन में तो पता चलेगा आपको। तो अभी तक जो कंक्लूजन निकला है उसमें कंक्लूजन ये निकला है कि जो साधारण से फलन होते हैं, साधारण से फलन मतलब इस तरह के फलन, बच्चे बच्चे वाले फलन होते हैं ना, जो साफ सुथरे से सिंपल से फलन है, ये सिंपल सा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, टुकड़े नहीं कर रखे इसके हमने, आसान सा साफ सुथरा सा फलन है, एक्स के सभी मानों के लिए परिभाषित भी है, कहीं कोई लोड हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये साधारण सा फलन है। ऐसे मानों में हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ ही जाती है, टेंशन ही नहीं लेना, आ गई ना इसमें देखो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट तीन आ गई थी, राइट हैंड लिमिट तीन आ गई थी, ये जो आसान आसान से फलन होते हैं ना सिंपल लिखे हुए उनमें बराबर आ जाती है, मान रख के देखोगे पता चल जाएगा क्या आएगा मान सीधा, इतना रामायण करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चंस में, हमें सीधा मान रखना है, इतने आसान है क्वेश्चंस तो, ये तो मैं बस समझाने के लिए इतने रामायण किया हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इस तरह से टुकड़ों में फलन दे रखे हैं, तो हमें फिर सिस्टमेटिकली चेक करना पड़ता है लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है राइट हैंड लिमिट कितनी है, उसको करने का एक फिक्स मेथड है। ग्राफ नहीं बनाना है किसी भी क्वेश्चन में, ग्राफ बना करके चेक करना ही नहीं है किसी क्वेश्चन में, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि प्रोसेस क्या है, मतलब प्रोसेस आपको मैं बता दूंगा तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिमिट निकालनी है, ठीक है। बाकी ग्राफ केवल रेफरेंस के लिए यूज ले सकते हो आप कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े अपन, रजनीश बेटा फोन कर लेना, ठीक है। x इज इक्वल टू वन नहीं लेंगे जब भी सीमा का मान निकालना है, कभी भी नहीं लेंगे, भले ही आपके यहां पर फलन में बराबर में एक दे रखा है, टेबल में एक नहीं ले सकते, जब भी सीमा का मान निकालने के लिए आप टेबल बना रहे हो उसमें वो मान तो ले ही नहीं सकते जिस पर फलन का मान लाना है अपने को, वो जिसमें सीमा का मान निकालना है वो मान नहीं ले सकते, जैसे x बराबर एक पर सीमा का मान निकालना है, x बराबर एक यहां भी नहीं ले सकते वहां भी नहीं ले सकते, सीमा का मतलब है उस पर्टिकुलर एक्स के मान पर मान नहीं निकाल सकते, उसके दाएं और बाईं तरफ का हिसाब किताब चेक करते हैं हम सीमा में, केवल उस पर्टिकुलर मान पे नहीं करते, पर्टिकुलर मान पे चेक करना तो फलन का मान हो जाता है सीधा, दोनों अलग अलग बातें हैं, लिखा ना मैंने यहां पर, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन शुरू करता हूं आपको, उससे और आइडिया लगेगा, तो कभी ऐसा लिखा हुआ दिखे तो इससे डरना नहीं है, और ये जो सिंबल है ये जो साइन है ये इसको बोलते हैं टेंडिंग टुवर्ड्स, इसको पढ़ते हैं टेंडिंग टुवर्ड्स, या फिर शॉर्ट में पढ़ते हैं टेंड्स टू, एक्स टेंड्स टू वन, वन माइनस वन प्लस वन, और ओवरऑल पढ़ना है इसको, इसको ऐसे पढ़ते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन माइनस एफ एक्स, इसको ऐसे पढ़ते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन माइनस एफ एक्स, ये शब्द है इसको पढ़ने का, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इनमें, मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा इन सारे क्वेश्चंस को, लेकिन आज मैं उसके लिए तैयार नहीं कर पाया, मेरे दिमाग में अचानक से आया कि मैं इसको प्रैक्टिकली भी दिखा सकता हूं आप लोगों को, एक खतरनाक चीज कल आपको नई चीज बताऊंगा, कुछ नया ही सिखाऊंगा, जो लोग ऑनलाइन एक एप्लीकेशन यूज लेकर के कुछ खास काम कर सकते हैं, गूगल क्रोम पे एक वेबसाइट मैं खोल के दिखाऊंगा आप लोगों को कि उस वेबसाइट का यूज लेकर के कैसे प्रैक्टिकली चीजों को देख सकते हो आप, है ना, इनको ग्राफ कैसे प्रैक्टिकली फील कर सकते हो आप, यहाँ तो ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल है इस वाले का तो, लेकिन मैं वो वेबसाइट आपको बताऊंगा, ग्राफ बनाना सिखाऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकली आप
ये काम कर सकते हो, वो नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। कल की क्लास सब लोग जरूर लेना, है ना। मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज मैथमेटिक्स में कैसे फील करें चीजों को, वो चीज बताऊंगा कल में। कल की क्लास बहुत जरूरी है, सब लोग लेना, कोई नहीं छोड़ना है। अच्छा, सीमाएं ज्ञात करनी है, तो जो आसान आसान से फलन है, कहीं टूट ही नहीं रहे, सीधे सीधे लिख रहे हुए हैं, कहीं कुछ फंस भी नहीं रहे। फंसने का मतलब होता है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, आसान है फलन तो, लेकिन अगर x बराबर 2 पर सीमा निकालने को बोल दिया तो फंस जाएंगे, क्योंकि 2 का वर्ग माइनस 4 बटे 2 माइनस 2, 4 माइनस 4 बटे 2 माइनस 2, मतलब 0 बटे 0 आ जाएगा, और 0 बटे 0 अनिर्धार्य रूप होता है, अनिर्धार्य रूप होता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है, ध्यान से देखो, ये आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, x बराबर 1 रख दो यहां, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 1 क्या आ गया, 1 माइनस 1 प्लस 1 मतलब 1 आ गया, कट पिट करके 1, सीधा मान रख दो, सीधा मान रखते ही आंसर आ जाता है। इन तरह के क्वेश्चंस में कोई लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, कोई राइट हैंड लिमिट नहीं, डायरेक्ट कर लिया करो, लोड ही नहीं है जिंदगी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आसान से क्वेश्चन है, रखो 3 रखा, 3 प्लस 1, एक्स की जगह 3 रख दिया, 3 गुणा 4 आंसर आया 12, ये सीमा का मान हो गया। इतने आसान क्वेश्चंस हैं, मैं इसलिए कह रहा था 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो ये थोड़ा सा बड़ा तो आया, कुछ तो करना पड़ेगा, चलो मेहनत। x का मान माइनस 1 रखो, है आसान सा ही, सीधा सीधा साधारण सा क्वेश्चन दिख रहा है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग केवल तब निकालनी है जब फलन टुकड़ों में दे रखा है, जैसे वो फलन टुकड़ों में दे रखा था, x प्लस 1 अलग है, x प्लस 3 अलग है, जब टुकड़ों में दे रखा है तो फिर सीमा भी टुकड़ों में निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अगर टुकड़ों में नहीं दे रखा मतलब सिंपल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो डायरेक्ट निकाल लो, सेम ही आंसर आता है, अलग अलग भी निकाल सकते हैं लेकिन डायरेक्ट से सेम आता है, इसलिए हम डायरेक्ट ही निकालते हैं, वही मेथड अपने बुक में प्रीफर कर रखा है, अलग अलग नहीं निकालेंगे अपन। तो यहां पर माइनस 1 रख दो, x की जगह क्या रखोगे, माइनस 1, तो 1 जहां x दिखेगा, यहां दिखा तो माइनस 1 रख दिया, यहां दिखा माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, बढ़ते 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 माइनस 1 की घात 10 आएगा, सब में हमने माइनस 1 रख दिया, ये बना आपका 1 माइनस 1, ये हो गया प्लस का 1, और बढ़ते बढ़ते प्लस प्लस क्या, बल्कि अगली बार तो देखो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, इस तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या आ रहा है, प्लस का 1, क्या आएगा बताओ जरा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है यहां पर, कि सर प्लस 1 आएगा, कि सब कट पिट करके 0 हो जाएगा, कि माइनस 1 आंसर आएगा, बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन दूर कर देते हैं आप लोगों का, टेंशन ना लो आप, देखो प्लस ये है कितने मान, अगर आप केवल इतने मानों को ध्यान से देखोगे ना तो ये 10 मान है, माइनस 1 की घात 1, माइनस 1 की घात 2, माइनस 1 की घात 3 से लेकर के माइनस 1 की घात 10, तो 1 घात से लेके 10 घात तक 10 मान हो गए, जिसमें से 5 तो माइनस 1 होंगे, 5 प्लस 1 होंगे, ये आपस में लड़ मर के कट जाएंगे, बचेगा ये शुरू वाला मान, एक आंसर आने वाला है, इसका कोई रोक ही नहीं सकता, शांति से देख लो भले ही। टोटल 11 मान है, एक तो बचेगा, 5-5 लोग ही तो कटेंगे, अकेला थोड़ी अपने आप को खुदकुशी कर लेगा, मैं मार रहा हूं अपने आप को, ये 1 थोड़ी मार लेगा अपने आप को, आपस में लड़ रहे हैं ना ये दोनों, तो ये 1 तो बच गया बेचारा, पता चले कुछ लोग करते हैं कि नहीं नहीं 1 भी तो खुदकुशी करेगा, इतने लोग उसके साथ ही मर गए, मैं भी मर रहा हूं भाई, जान दे रहा हूं मैं, ऐसे नहीं करना, ठीक है, इसको 1 बचेगा भाई, यहां पर इसकी लिमिट का मान 1 आ रहा है, तो ये हिसाब किताब है। सेकंड क्वेश्चन में आज शुरू नहीं कर रहा, सेकंड क्वेश्चन में कल बताऊंगा, कुछ खास बताना है क्योंकि मुझे सेकंड क्वेश्चन में प्रैक्टिकली मुझे करके दिखाना है, जो आपको ना किसी बुक में मिलेगा, नो आपको YouTube पे किसी भी टीचर ने करवाया है, किसी भी टीचर का मतलब यह है, हिंदी मीडियम तो छोड़ो, इंग्लिश मीडियम में किसी ने नहीं करवाया, मैं उस तरह से आप लोगों को कल ये आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं वो करवाने वाला हूँ, प्रैक्टिकली दिखा करके कि हो क्या रहा है दुनिया में, चल क्या रहा है गणित में, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ढूंढ लेना पूरा YouTube, छान लेना आपको, जो मैं कल बताने वाला हूँ ना वो कहीं नहीं मिलने वाला है। वैसे तो आज जो बताया जितना डिटेल में बताया है उतना डिटेल में भी कहीं नहीं है, लेकिन कल वाला तो एकदम यूनिक चीज बताने वाला हूं, मजा आ जाएगा आप लोगों को, अगर एक्चुअल में मैथ्स को फील करना चाह रहे हो तो कल की क्लास मिस कर ही नहीं सकते तुम लोग। और ट्वेल्थ में भी मैं उस तरह से पढ़ाऊंगा जो मैं कल पढ़ाने वाला हूं ना, ट्वेल्थ क्लास में जब ये चैप्टर्स आएंगे तो उसी तरह से पढ़ाऊंगा मैं उन चैप्टर्स को, फील करवा करके, दिखा करके कि ऐसे देखो भाई ये चल रहा है दुनिया में, ऐसे हो रहा है, ऐसे x का मान चेंज हो रहा है, ऐसे fx का मान चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास लेना बिल्कुल नहीं भूलना है, और अगर आप लोगों को ट्वेल्थ का बैच ज्वाइन करना है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को ट्वेल्थ में तो मैं धमाका करेंगे, ऐसी पढ़ाई करेंगे जिसकी कोई हद नहीं है, आपने कभी देखनी होगी ऐसी पढ़ाई। अगर ट्वेल्थ के बैच में ज्वाइन करना चाह रहे हो अभी बेस्ट टाइम है,
जिस समय आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम बेस्ट टाइम है, आप कॉल कर लेना 8078696588 पर या फिर 78528263 25 पर। इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर लेना, बैच को ज्वाइन कर सकते हो। धमाकेदार क्लास के लिए तैयार रहना, कल की क्लास को कोई मिस नहीं करे। कल मतलब परसों, कल तो संडे है, परसों की क्लास में धमाका करेंगे यार। और आज की क्लास में किसी को नन्ना मुन्ना सा भी डाउट रहा है ना, वापस देख लेना, देख लेना वापस, फील आना स्टार्ट हो जाएगा, बेटर फील आएगा आपको। आगे के क्वेश्चन में मैं फील करवाने के हिसाब से पढ़ाना चाह रहा हूं, इसलिए आज की क्लास को वापस देख लेना अगर देख सको तो। यार मेरे कहने से देख लेना, तुम लोग पूरी क्लास एक बार वापस देख लेना, शांति से लो क्वालिटी में करके देख लेना यार, क्या है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू। और क्लास आज की कैसी लगी, ये सब वीडियो बंद होने के बाद नीचे कमेंट करके बताना, इस चैट बॉक्स में मत बताओ, नीचे कमेंट करके बताना कि आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, और कल की क्लास में कौन कौन आने वाला है, और आज की क्लास में शुरू से लास्ट तक कौन था, कितने लोग थे, मैं जानना चाह रहा हूं आज की क्लास में शुरू से लास्ट तक कितने लोग थे। चलो बाय बाय, सी यू, थैंक यू। जीव निकल गया आज तो, भयंकर आया।